हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा हम लिस्ट बनाएंगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है और सबका स्ट्रक्चर विथ नेम एंड प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो पहले कॉलम में हमने क्या लिखा है, नेम लिखा है, उसके बाद हमने लिखा है स्ट्रक्चर, फिर प्रीफिक्स एंड सफिक्स, IUPAC प्रीफिक्स, IUPAC सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जिसको हम पहले जोड़ते हैं, नाम लिखते हैं तो पहले लिखते हैं, और सफिक्स हम बाद में लिखते हैं, पीछे जोड़ते हैं। ठीक है, कब लिखेंगे प्रीफिक्स, जो भी हमारे फंक्शनल ग्रुप है जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तभी हम इसका प्रीफिक्स लिखते हैं। अगर ये फंक्शनल ग्रुप रहता है तो सफिक्स लिखेंगे, और जब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो प्रीफिक्स लिखेंगे। पहला हमने यहाँ पे क्या लिया, अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH, इसके लिए प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, एंड सफिक्स क्या होता है, ऑल। देन सेकेंड हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, इसके लिए हमारा प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल या फिर हम लिखेंगे ऑक्सो, और जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, AL, जिसको हम पढ़ते हैं अल। नेक्स्ट हमारा क्या है, कीटोन। कीटोन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन, और इसका जो प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, और सफिक्स क्या होता है, ऑन, वन नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑन पढ़ते हैं ONE। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड N, इधर सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। इसके लिए जो प्रीफिक्स हम लिखते हैं वो लिखते हैं साइनो, और जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, नाइट्राइल। नेक्स्ट है ईथर। ईथर क्या होगा, जब ऑक्सीजन हमारा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आर हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये ईथर फंक्शनल ग्रुप है। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी, ये हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहता है। ठीक है, एल्कोक्सी होता है और इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, एल्केन। एल्केन क्या होगा, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे हम बोलते हैं एल्केन, और इसका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता, बस सफिक्स होता है वो क्या होता है, ANE, जिसको हम कहते हैं एन। एल्कीन कब होगा, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, और इसके लिए जो सफिक्स होता है एन होता है, प्रीफिक्स इसका नहीं होता। थर्ड हमारा क्या है यहाँ पे, एल्काइन। एल्काइन कब होगा, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्काइन है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स क्या लिखते हैं, YNE, जिसको क्या पढ़ते हैं, आइन। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं, अगला हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOH, या फिर इसको तोड़ के हम कैसे लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, एंड सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। अगला हमारा क्या है, ईस्टर। ईस्टर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड COOR, या फिर इसको हम लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड OOR, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर, इसके लिए प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसके लिए सफिक्स क्या हम लिखते हैं, OH। ठीक है, दो बार हम लिख दिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, OH इसका है। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, असाइल हैलाइड। असाइल हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OX, या फिर इसको हम कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, COX। ये क्या होता है, असाइल हैलाइड, या फिर हम इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। इसके लिए प्रीफिक्स हमारा होता है हेलो कार्बोनिल। एक्स हमारा क्या होता है, हेलो, और सी डबल बॉन्ड ओ क्या होता है, कार्बोनिल, तो ऐसे हम इसका प्रीफिक्स याद कर सकते हैं, हेलो कार्बोनिल, और सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, इसके लिए ऑयल यूज़ करेंगे और इसके लिए हैलाइड यूज़ करेंगे। अगला हमारा क्या है, अमीन्स। अमीन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NH2, NH भी हो सकता है, N भी हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अमीन है, इसके लिए प्रीफिक्स हम लिखते हैं अमीनो, और सफिक्स क्या लिखते हैं, अमीन ही लिखते हैं। अगला हमारा क्या है, अमाइड। अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2, या फिर इसको हम एक साथ लिख सकते हैं CONH2, तो क्या हो जाएगा, अमाइड। इसके लिए प्रीफिक्स हम क्या लिखते हैं, कार्बोमाइल, क्या लिखेंगे, कार्बोमाइल, और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, अमाइड। अगला हमारा क्या है, नाइट्रो। नाइट्रो का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NO2, और इसका प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, नाइट्रो, इसका कोई सफिक्स नहीं होता है। अगला हमारा क्या है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड SO3H, इसको क्या बोलते हैं हम, सल्फोनिक एसिड, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो, एंड सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड ही होता है। लास्ट है हमारा हेलोजन्स। हेलोजन को किससे लिखते हैं, एक्स से, जो हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम हेलोजन फैमिली, तो यही हमारे क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो। अगर हेलोजन के अंदर मान लीजिए हम ले लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही आते हैं, तो अगर फ्लोरीन होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड F, और इसके लिए प्रीफिक्स हम लिखते हैं फ्लोरो, इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता किसी भी हेलोजन का। देन हमारा क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CL स्ट्रक्चर, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन। ब्रोमीन का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड BR, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ब्रोमो।
एंड लास्ट हमारा क्या है, आयोडीन सिंगल बॉन्ड आई, और इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखेंगे हम, आयोडो। मैक्सिमम टाइम जनरली ये हमारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। जब हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और इसका हम नाम लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, जो पहले आता है। सबसे पहले ब्रोमो लिखते हैं, फिर क्लोरो, देन फ्लोरो और एडो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, किसके बारे में था, फंक्शनल ग्रुप के बारे में था। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिखें और नोट्स बनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।